अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मुख्तार हाशमी हाशमी फूड पार्लर के साथ आज हम बना रहे हैं चने वाले चावल। तो इसके लिए मैंने घी और एक अदर प्याज चॉप करके तो उसको लाइट ब्राउन कर रहा हूँ। प्याज हमारा हो रहा ठीक है और एक 5 मिनट में ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। लाइट ब्राउन हो गया, अब इसमें पानी डाल देंगे। गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा इसको भून देंगे, इसमें धनिया वो डाल देंगे, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया था वो डाल देंगे। तीन तो एक फ्री मैंने हरी मिर्चें ली थी और एक अदर टमाटर लिया था। ये बिरयानी मसाला था वो ऐड कर दिया मैंने। सब मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें 750 ग्राम चावल थे तो 3 चम्मच मैंने नमक की डाल दी। सभी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच हल्दी की, हाफ चम्मच हल्दी भी डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम चने डाल देंगे सफ़ेद। आधा पाव के करीब चने थे पहले से उबाल लिए थे, अब इसको डाल के इसमें भून लेंगे। बैलेंस नहीं है चूल्हे का तो इसलिए थोड़ा सा देख जा वो थोड़ा सा आप देख रहे हैं मूव कर रहा है चूल्हा। चावल थे तो उसमें मैंने उबला हुआ चनों का पानी डाल दिया एक गिलास। पानी हमारा उबल गया, अब इसमें मैंने पहले से 3 पाव के करीब चावल भिगो के रखे हुए थे। अब उबलते हुए चावल में हम चावलों को मिला लेंगे। चावल डाल के कर देंगे अच्छी तरह से, बर्तन को साफ कर लेंगे। तो चावल हो गए, जब चावलों में देखें 3.5 गिलास पानी डाला 3 पाव चावलों में और अब इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट तक ये पक के तैयार हो जाएंगे। चावल देखे माशाल्लाह पक के तैयार हो गए आपके सामने। बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही प्यारा टच, एक एक दाना आपके सामने है। ये थी आज की वीडियो, चने का पुलाव। बहुत ही आसान रेसिपी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। देखने के बाद लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़। ये थी आज की वीडियो।